वेलकम टू नरल प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। फाइनेंस बिल 2022 जो है उस पर डिस्कशन डिबेट शुरू हो चुकी है पार्लियामेंट में। लास्ट नाइट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने अपनी बजट स्पीच जो है वो प्रेजेंट की पार्लियामेंट में, और उसमें जो रियल इस्टेट सेक्टर्स के हवाले से प्रपोजल्स सामने आए वो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल में मेंशन किया है पार्ट वन, बिकॉज दीज आर जस्ट प्रपोजल्स राइट नाउ। एक्चुअल इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर क्या होगा उसके बाद, और अगर किस फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन होती है बाद में, स्टेक होल्डर्स पोटेंशली रियल इस्टेट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारी डेवलपमेंट्स को एक सीक्वेंस में ट्रैक करने के लिए वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड एज दीज डेवलपमेंट्स विल कम हम उन पार्ट्स को जो है वो रिलीज़ करते रहेंगे। लेकिन अभी जो प्रपोजल आए हैं उन पे ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, एंड टू कीप द थॉट स्ट्रक्चर्ड मैं इसको थ्री पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करूँगा। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट द प्रपोजल्स एक्चुअली आर, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम उनकी इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि अगर ये अब इसी फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, लॉ बन जाते हैं वंस द फाइनेंस बिल इज़ अप्रूव्ड, तो इनकी क्या इम्प्लीकेशन होगी। और थर्ड जो इसका सेक्शन है इस वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होगा क्या आगे, पोटेंशियली क्या क्या हो सकता है आगे, क्या सिनेरियोज हैं, उसको हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो रियल एस्टेट प्रैक्टिशनर्स हैं वो काफ़ी वरिड हैं, और जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। एट द सेम टाइम आई एम पर्सनली रिसीविंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स भी मेरे साथ इन टच रहे हैं उनसे भी मेरी बात, वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि ये क्या प्रपोजल्स हैं, ये समझाएं और इसकी क्या इम्प्लीकेशन पोटेंशियली हो सकती है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड, चूंकि आपको पता है कि वीडियोस का फॉर्मेट ही मेरा यही है कि मैं आप लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करता हूँ थ्रू दीज वीडियोस। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट के प्रपोजल्स क्या हैं। प्राइमरली थ्री मेजर प्रपोजल्स जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में जो प्रेजेंट किए हैं रियल एस्टेट के हवाले से। नंबर वन, एडवांस टैक्स जो है उसको फाइलर के लिए 1% से बढ़ा के 2% करने की तजवीज़ पेश की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और नॉन फाइलर जो 2% पे करता है उसको 2% से उठा के 5% के रेशो पे लेके जाने की तजवीज़ पेश की गई है। एक तो ये चेंज आ गया पहले एडवांस टैक्स का। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एडवांस टैक्स बेसिकली जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो परचेजर पे करता है इन एडवांस, इट्स लाइक एन विदहोल्डिंग टैक्स, ठीक है, परचेजर पे करता है इसको। सेकंड जो है विच इज़ एक्चुअली वेरी सीरियस, वेरी हार्श, एंड इफ इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड तो काफ़ी डिजास्टर्स इम्प्लीकेशन हो सकते हैं उसके, वी विल डिस्कस दैट एज वेल इन द सेकंड सेक्शन। वो ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको कहा है कि जी आप अगर अपनी प्रॉपर्टी का जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 ईयर का है और अंडर 1 ईयर का है तो आप 15% कैपिटल गेन्स टैक्स पे करेंगे अपॉन ट्रांसफ़र। जैसे DHA में होता है जब आपको ट्रांसफ़र होती है तो ड्यूज़ जो हैं उसकी सबमिशन होती है कि जी रिक्वेस्ट फॉर ड्यूज़ प्रेजेंट की जाती है कि DHA जो है फिर स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ इशू करता है कि जी इस प्लॉट के गेंस क्या क्या ड्यूज़ हैं, जिसमें टैक्स भी शामिल होता है। तो अब कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो आपको अगर ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर 15% लग के आपको कैपिटल गेंस टैक्स आएगा, ठीक है। और बड़ा हार्श है ये, इसकी इम्प्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम अपने सेकंड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन जो है, थर्ड जो इसका प्रपोजल है जो रियल एस्टेट के सेक्टर के हवाले से आया है वो ये है कि वो लोग हु आर सिटिंग ऑन एम्प्टी प्लॉट्स, दिस इज़ द टर्म विच अ फाइनेंस मिनिस्टर यूज बाय एम्प्टी प्लॉट्स, ही मेंट स्पेसिफिकली उन लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है जिन्होंने प्लॉट लिए होते हैं और फिर रख दिए होते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, हमारे पास कोई और मीडियम ही नहीं है, कोई और चैनल ही नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो स्पेकुलेशंस जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट में हो रही होती है, चाहे वो रेडी प्लॉट्स हों या स्पेकुलेटिव फाइल्स हों या स्पेकुलेटिव सर्टिफिकेट्स हों, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं लोग। एक तो हमारी नेशनल साइकी भी हमें समझ ही सिर्फ ज़मीन आती है, या तो हमें सोना समझ आता है या हमें ज़मीन समझ आती है, ठीक है। तो थर्ड प्रपोजल ये है कि जी इफ़ योर प्रॉपर्टी इज़ वर्थ मोर देन 25 मिलियन तो आपका एनुअल जो प्रॉफिट है वो ज्यूम किया जाएगा कि 5% है, और उस 5% के मुताबिक आप 1% टैक्स पे करेंगे। कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है,
उसके ऊपर हम अज्यूम ये करते हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है कि अज्यूम ये किया जाएगा कि आपकी जो एनुअल प्रॉफिट आपको उस पर हो रहा है वो 5% का है, उस 5% के मुताबिक आप 1% टैक्स पे करेंगे तो ये बन जाता है तकरीबन 12,500 रुपये। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ रुपये की है अकॉर्डिंग टू द फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज़ प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, जब भी आपकी असेसमेंट होएगी टैक्स आपका इशू होगा। अब इसमें मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये कन्फ्यूजन है, जो क्लाइंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं उनकी भी कन्फ्यूजन है, मैंने उनको भी बताया, मैं आपको भी बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात करेंगे यहाँ पे कि अभी अगर आप देखें कि FBR वैल्यू के मुताबिक DHA2 में 7 लाख रुपया पर मरला रेट है FBR का, ठीक है, जिसकी वैल्यू बन जाती है तकरीबन 1,40,00,000 का कनाल का प्लॉट है जी FBR के मुताबिक फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स असेसमेंट, ठीक है। अगर FBR के मुताबिक अगर वो जो फेयर मार्केट वैल्यू का मेंशन किया गया स्पीच में, उसका मतलब FBR की वैल्यू के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ है, तो इसका तो मतलब है कि सारे DHA2 के रेजिडेंट्स एग्जेम्प्ट हैं जिन्होंने प्लॉट्स एम्प्टी प्लॉट्स छोड़े हुए हैं या फेज़ 5 में छोड़े हुए हैं या फेज़ 1 में छोड़े हुए हैं। 7.5 लाख रुपया पर मरला फेज़ 1 का DHA फेज़ 1 का रेट है तो वो भी एग्जेम्प्ट हैं, फिर सारे एग्जेम्प्ट हैं। अगर ये सबसे ज़्यादा रेट तो DHA फेज़ 1 में है 7.5 लाख का, तो फिर फेज़ 5 वाले भी एम्प्टी प्लॉट्स ही एम्प्टी प्लॉट्स यहाँ पे पड़े हैं, फेज़ 4 में भी एम्प्टी प्लॉट्स ही एम्प्टी प्लॉट्स पड़े हैं, सारे जो हैं एग्जेम्प्ट हैं। तो आई डोंट थिंक के बाय फेयर मार्केट वैल्यू ही मेंट द FBR वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट ही एक्चुअली मेंट जो भी उसकी एक्चुअल मार्केट वर्थ चल रही है, ठीक है, उसके मुताबिक 5% कैलकुलेशन है जी उसकी एनुअल प्रॉफिट की, और जो भी 5% का आपका रिजल्ट बनता है उसका 1% आपने टैक्स पे करना है इफ़ यू आर सेटिंग ऑन एन एम्प्टी प्लॉट, ठीक है। ये 3 प्रपोजल हैं इसके। नाउ इम्प्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि अब इन चीज़ों की इम्प्लीकेशन क्या है। पहली बात यह है कि विल टॉक अबाउट 15% कैपिटल गेंस टैक्स इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, मार्केट विल बी फ्रोजन। क्योंकि देखिए मार्केट, मैं अक्सर अपनी वीडियोज में बात करता हूँ, मार्केट चलाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर ये करता है कि उसको अगर कोई पोटेंशियली सस्ती चीज़ मार्केट से मिल रही होती है वो उसको परचेज करता है और फिर वो उसको सेल करता है एट द मार्केट प्राइस। मार्केट से कम उसको चीज़ मिल रही है, मार्केट प्राइस पे वो उसको बेच रहे हैं, ठीक है। जो लोगों ने प्लॉट्स लेके घर बनाने होते हैं उनकी रेशो इतनी नहीं होती, ये एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। जिन लोग स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं उनकी रेशो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब 15% आप कैपिटल गेंस टैक्स कर रहे हैं, एक बंदे ने प्लॉट लिया, इन्वेस्टर ने लिया, 2.5 करोड़ उसकी वर्थ थी, 2.30 में उसको मिल गया, उसने ले लिया कि मैं जी इसको 2.5 करोड़ पे बेच दूंगा और या 2.5 करोड़ से नीचे बेच दूंगा, मुझे 1.5 मिलियन या जो भी है मेरा प्रॉफिट इसमें बन जाएगा, विच इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हियर, ठीक है। अब वो अगर इसको बेचने जाएगा बाद में तो वो तो कैपिटल गेंस टैक्स पे करेगा, अगर उसने ट्रांसफ़र ले लिया कैपिटल गेंस टैक्स वो पे करेगा तो उसका प्रॉफिट गया, प्रॉफिट भी गया बल्कि माइनस में गया। वो इन्वेस्टर विल बी डिस्करेज्ड, स्पेकुलेशन विल बी डिस्करेज्ड इन दिस सेक्टर, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस का रियल एस्टेट मार्केट में वो आप कह लें कि निल हो जाएगा। इस हद तक मैं कहने को तैयार हूँ कि इफ दिस 15% कैपिटल गेंस टैक्स इज इम्प्लीमेंटेड तो जो इसका वो है, इसकी इसकी जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, इट्स एब्सोल्युटली गोइंग टू स्टैंड स्टिल, ठीक है। ये बात होगी जी कैपिटल गेंस टैक्स की इम्प्लीकेशन जो है बहुत हार्श या डिज़ास्टर्स हो सकती है पोटेंशियली। जो बाकी हैं दोनों एडवांस टैक्स वाली और एम्प्टी प्लॉट्स वाली की, एम्प्टी प्लॉट्स वाली मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट हार्श एंड इट इज़ फेयर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, इसमें कोई शक नहीं है। फ़ायदा सिर्फ उसको हो रहा होता है जिसने प्लॉट लिए और बाद में महंगा बेचेगा, उसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है। या आप कह लें कि जिस डीलर ने लेके दिया या डीलर जो एंड में बेचेगा वो कमीशन ले लेगा, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकरेज नहीं हो रही। एक बंदे ने 2.5 करोड़ का प्लॉट लिया हुआ है, वो 3-4 साल बाद बेच रहा है उसको प्रॉफिट के ऊपर 2.80 का या 2.75 का। आप एक बंदा ना सोचें, आप सोचें पता नहीं कितने लोग हैं। तो आप उस सारी चीज़ सारे वॉल्यूम को अगर कैलकुलेट करें तो ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाती है, और ये सब अनप्रोडक्टिव एसेट है। रियल एस्टेट तो एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, इट इज़ मेंट फॉर यू टू बिल्ड योर ओन ऑन इट। आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं विच इज़ फाइन, एवरीबडी डज दैट, इट हैपन्स ऑल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड,
लेकिन इसको टैक्स में लेके आना इट्स इज नथिंग रॉन्ग इन इट, और फिर इतना बर्डन भी नहीं इशू जो है वो डाला जा रहा. मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप देखें तो एनुअली बेसिस पे 20-25% आपकी आपको प्रॉफिट आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही होती है अच्छी रेजिडेंशियल कम्यूनिटीज़ में, जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के डिफरेंट फेजेस हैं. तो उसमें से ये गवर्नमेंट सिर्फ तजवीज़ पेश करी है कि हम 5% कंसिडर करेंगे. आप देखें इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी 14-15% बढ़ी हुई है, तो वो ज़ाहिर है प्लॉट की कीमत में भी नज़र आएगा. बाकी भी फैक्टर्स अगर आप काउंट इन करें तो 20% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, आपके प्लॉट की कीमत एनुअल बेसिस 20% बढ़ रही है, FBR आपको सिर्फ कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है जी सिर्फ 5% है, उस 5% का 1% है, ठीक है. और वो भी उन्होंने ज़ाहिर है मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट वैल्यूएशन के मुताबिक उसको चार्ज करेंगे, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है. एडवांस टैक्स वाले प्रपोजल का जहाँ तक ताल्लुक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो फाइलर 1% पे कर रहा है वो 2% पे कर लेगा, येस इट्स ट्रू कि जाहिर है परचेजर जो पोटेंशियल परचेजर्स हैं उनको एक ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो इतना कोई ख़ास डिसरप्टिव नहीं है ये, ठीक है. येस द बर्डन इज़ देयर, येस किसी हद तक एडवांस टैक्स वाला एलिमेंट जो है वो जो डीलर्स हैं जो बयाना करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स हैं उनके भी मार्जिन थोड़े बहुत कट कर सकता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू कट बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन. देखें DHA2 में 7 लाख रुपया FBR की वैल्यूएशन के मुताबिक पर मरला रेट है, तो 20 मरले का जो है वो एक कनाल है, तो आप कह लें कि 1,40,00,000 का FBR के मुताबिक आपके प्लॉट की वर्थ है, जिस पे आप पे करते हैं 1% पहले 1,40,000, अब आप पे करेंगे 2,80,000 इफ़ यू आर फाइलर. एक तो पहली बात यह है कि प्लीज़ डू गेट बिकम अ फाइलर, ठीक है. विद और विदाउट दिस चेंज वी शुड ऑलवेज बी फाइलर. नॉन फाइलर में आपको ज़्यादा तो पे करना ही पड़ता है, पुराने अरेंजमेंट के मुताबिक भी अब तो खैर आपको 5% पे करना पड़ेगा इफ़ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. सो येस देयर इज़ द बर्डन, इट्स गोइंग टू कट द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द डीलर्स एज वेल, बट इट्स नॉट गोइंग टू कट इट बाई अ वेरी लार्ज मार्जिन. सो ये है कि थोड़ी सी कंपनसेशन है इसके अंदर, इतना कोई डिसरप्शन नहीं क्रिएट करेगा, बट जो कैपिटल गेंस टैक्स वाला है इट्स इट हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द रियल स्टेट सेक्टर एज फॉर द रियल स्टेट सेक्टर. सो प्रपोजल डिस्कस कर लिए, इम्प्लीकेशन जो हैं इसके डिस्कस कर ली, अभी हम बात करेंगे कि अब हो क्या सकता है, होगा क्या. देखें दिसंबर में आपको अगर याद हो तो FBR वैल्यूएशन रेट्स अप टू 700% इंक्रीज़ कर दी FBR ने, ठीक है. फिर क्या हुआ, रियल स्टेट प्रैक्टिशनर्स थे उनकी जो बॉडी है यूनियन टाइप की बॉडी है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कंसल्टेशंस हुई विद द FBR ऑफिशियल्स एंड इट वाज वेरी गुड कि वो रेट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिए गए, इंक्रीज़ हुए पर इतने नहीं हुए FBR वैल्यूएशन वाले. इस पर प्रोटेस्ट तो होगा अगर 15% इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके अलावा भी अभी भी एज द प्रपोजल्स हैव कम फॉरवर्ड, जो रियल स्टेट कंसल्ट जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि ये सिर्फ रियल स्टेट का इशू नहीं है, अगर आप टेक्सटाइल पे भी लगाते हैं किसी भी इंडस्ट्री पे लगाते हैं तो उनकी भी बॉडीज़ होती हैं, वो भी गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई ये ना करें. तो बाद में ये है कि जब लॉ बनता है फाइनेंस बिल तो बड़ी बातें चेंज हो चुकी होती हैं, ठीक है. तो अभी तो ये है कि या तो ये इसको 15% से नीचे ले आएंगे, या तो इसको वो रिमूव कर देंगे, या इसको तीसरा सिनेरियो ये है कि वो 15% को इम्प्लीमेंट कर देंगे. 15% इम्प्लीमेंट हो जाता है, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोटेस्ट. अभी वो कंसल्टेशन सेशन जो है होल्ड करके रियल स्टेट प्रैक्टिशनर्स के साथ इनको कंसल्ट करके, क्या पता मे बी इफ द रियल स्टेट प्रैक्टिशनर्स एग्री कि चले आप 5% कर दें, मे बी इट्स क्वाइट पॉसिबल. अभी नॉन फाइलर के लिए उन्होंने एडवांस टैक्स को 5% कर दिया, तो मे बी इसको 5% कर दें, ठीक है. तो एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. तीसरा सिनेरियो ये है कि ये हो ही ना, ठीक है. आई बिलीव कि देर इज़ गोइंग टू बी अ लाइक नॉइस फ्रॉम द रिसर्च प्रैक्टिशनर्स, और 15% इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद 2-3 वीक्स लगेंगे या मंथ लगेगा, वो फिर रिवाइज होगा और रिमूव हो जाएगा, चूँकि फ्रॉम एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट कि बाकी इंडस्ट्रीज भी ऐसा ही करती हैं, अगर कोई हार्श लॉ पास हो जाता है तो वो उसको फिर बाद में क्या कह लें आप, दीज आर लाइक लॉबीज, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं हर इंडस्ट्री में होते हैं, वो इस चीज़ को जो है वो रिवाइज करवा देते हैं. सो आई थिंक के
ये 15% वाला जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। पाकिस्तान में हर इदारे ने तो अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है, चाहे वो PTA हो, PTV हो, चाहे वो PIA हो, ठीक है, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले हों जिन्होंने PWD बनाया हुआ है, चाहे वो फेडरल एम्प्लॉइज़ वाले हों जिन्होंने जिना गार्डन बनाया हुआ है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की सोसाइटी हो जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जाहिर है हम सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी के जो सर्विस मैन हैं ये उनके लिए प्राइमरीली सोसाइटी है, रेजिडेंशियल कम्युनिटी है, तो स्टेक होल्डर्स बहुत मसल्स रखते हैं, ठीक है, एंड नोबडी वुड वांट कि एक ऐसा लॉ पास हो जिसकी वजह से पहिया जाम हो जाए, जिसकी वजह से लोग प्लॉट्स ना लें, जिसकी वजह से लोग स्पेकुलेशन ना करें। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, माई पॉइंट, माई ओपिनियन इज़ दिस कि ये जो 15% वाला जो है वो आइदर नहीं होगा या एक सॉफ्ट फॉर्म में हो जाएगा, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके। आई डोंट सी एट ऑल कि 15% एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसकी, बहुत हार्श है, सेक्टर रुक जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर अनफॉर्चुनेटली, येस आई बिलोंग टू दिस सेक्टर बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि सबसे बड़ा सेक्टर है, येस इसमें जो कैपिटल है वो अनप्रोडक्टिव है, इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ द इकोनॉमी, इट्स नॉट हेल्पिंग द इकोनॉमी एट ऑल, ठीक है, लेकिन इसमें फिर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं कि ऐसा क्यों है, तो आपके पास है ही कोई नहीं इन्वेस्टमेंट, क्या करनी है आपने इन्वेस्टमेंट, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ जो आपको जो 25-26 बिलियन डॉलर साल के आ रहे होते हैं वो भी उनमें से लार्ज चंक जो है वो ज़मीन में आ रहा होता है, तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी एक हमारी मजबूरी है कि हम इस सेक्टर को प्रमोट करें, ठीक है, ताकि फॉरेन रेमिटेंस भी आए, पर एट द सेम टाइम हमें दूसरे सेक्टर्स को भी जो है वो इक्वल फुटिंग पे लेके आना चाहिए ताकि कोई प्रोडक्टिविटी हो, ठीक है, ये बस प्लॉटों में ना पैसा पड़ा रहे और पड़ा हुआ जी, दो दो तीन साल पड़े हुए हैं जी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी को कोई जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, इमेजिन करें वही पैसों से कोई फैक्ट्री लग जाती। अब यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है कि फैक्ट्री कैसे लगाएं भी, इतना मुश्किल प्रोसीजर है, इतनी ज़्यादा अंडर डिटेबल पेमेंट्स हैं, तो मतलब ये फिर डिबेट बहुत आगे तक चली जाएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे चली जाएगी और बहुत आगे तक बात चली जाएगी, बट इन शॉर्ट होपफुली इट्स वेरी हार्श एंड एक्सपीरियंस टेल्स अस के एंड कंसिडरिंग के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बड़े हैवी मसल्स रखते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड, आई डोंट थिंक कि इतना हार्श होगा, अगर हो भी जाता है तो थोड़ा सॉफ्ट होगा, 5% का पॉसिबल एक चांस है। सो ये एक प्रोबेबल सिनेरियोज हैं जहाँ पे ये गेम प्ले आउट हो सकती है इन द फ्यूचर, विल कीप यू अपडेटेड। फाइनेंस बिल पास हो जाता है उस पर भी आपको अपडेट करेंगे पार्ट टू पे, क्या सिचुएशन होगी, क्या उसमें रिस्पॉन्स होगा लोगों का, प्रैक्टिशनर्स का, उससे भी आपको अपडेट करेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, थैंक यू वेरी मच।